हेलो गाइस, साहिल की हो गई है स्कूल जाने की तैयारी। साहिल हो गया है स्कूल के लिए रेडी। गाइस, तो इसी के साथ मैं करती हूँ आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग। हेलो है दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, आज मैं कर रही हूँ मैं अपने मायके से ब्लॉग की स्टार्टिंग। जैसे कि कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं आई थी मायके, तो आज जाऊँगी अभी थोड़ी देर में। और ये माहिरा देख रही है, आ जा। और साहिल की हो रही है स्कूल की तैयारी, अभी आ जाएगी बस। 7 बजे आती है इधर को, 7 बजे के टाइम में, तो यहीं से जाएगा स्कूल। और छुट्टी के टाइम वहीं उतरना है घर में, तब तक मैं आ जाऊंगी घर। मौसी लोगों की भी हो रही है तैयारी, टूर में जाने की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी, तो करते हैं अब और काम। साहिल भी जाने लग गया स्कूल। बाय भाई साहिल, दब आएंगे, दे आगे पकड़ना ना को। आगे आती है बस, तो वहाँ छोड़ने जा रहे हैं पापा। दद्दा को भाई नहीं बोला है, बोल दिया। चलो चलते हैं अब अंदर। चलो अभी हो रहा है नाश्ता मौसी लोगों का, और हो गए हैं तैयार। यहाँ खाना नाश्ता करने लग गए मौसी लोग और ताई। नाश्ता पानी चल रहा है यहाँ, आप भी खा लो मम्मी। मौसी खा लो, माहिरा बना रही है रोटी ना, तो बनाते हैं रोटी, देते रहते हैं। आप भी ले जाओ मौसी, और बनाइए सब्जी। और बना है आज नाश्ते में चावल की खीर, और है रायता। ये है नाश्ता, तो बनाते हैं फटाफट रोटी। मौसी लोगों की घर जाने की होने लग गई तैयारी। बाय माहिरा, लेकिन बढ़ लेते एक आदमी एक दिन आगे बढ़ जाते ना। बाय। हाँ हाँ, फिर आना, इसी रास्ते जाना घर को, घर को इसी रास्ते जाना। बाय। मौसी ताई सब, तो नाश्ता पानी भी हो गया है गाइस हमारा, और मौसी लोग भी चले गए हैं। मम्मी का हो रहा है यहाँ अब काम, गाय को दे रहे हैं पानी। ये देखो मम्मी की ये छोटी सी बाछी, ये गाय आजकल कम है, दो ही है आजकल। काम हो गया है शुरू, और मैं जाती हूँ बर्दी से मिलने के लिए। और हाँ, देखती हूँ यहाँ क्या, यहाँ तो धान चुटाई भी लग रखी है बर्दी के वहाँ, बुआ जी के वहाँ। यहाँ चल रही है धान चुटाई है आंटी की, इतना छोड़ दिया है ये। बर्दी देख रहे हैं, बर्दी देख रहे हैं काम कैसा हो रहा है ना, है। अभी और चले गए हैं भैया लोग काटने के लिए। है आप काट रहे हो? आप बर्दी जा रहे हैं खेत में धान काटने। मैंने पहन ली अपनी घास की ड्रेस गाइस, ये मायके में आके भी मैं कितना काम करती हूँ ना, कामदार हुई मैं। हाँ ले ली दराती, मैं जा रही हूँ सोराल बनाने के लिए। अब जाती हूँ थोड़ी देर में घर, 10 बजे तक जाऊँगी अपने ससुराल। तो तब तक मैंने सोचा कि एक पुला बना लेती हूँ सोराल, गुरबाच पालन पाल रखे पे न्यार, तो बनू ने भी हो न यही बड़े बनू बना भी ले जाऊँ न्यार। तो चलते हैं बना के लाते हैं फटाफट। ये बैठे हैं, मैं चली काटने धान। है ये भाभी भी जा रहे हैं, भाभी के साथ जाती हूँ। ये बर्दी के धान, हरे हरे धान हो रखे हैं, ये काटते हैं फिर फटाफट। मम्मी भी काटने लग गए हैं धान, ये देखो बनाएंगे। हरा हरा बैठे बैठे काट रहे हैं।
ये काम के दिन स्टार्ट हो गए फिर। हाँ इतने छोटे धान है, देखो ये बासमती, बासमती के तो छोटी वाली ढलते तो नहीं है। हाँ ढलते तो नहीं है, सब गिर जाते हैं। बाद भी तो इसका बहुत स्वाद होता है और खीर तो और ही स्वाद होती है क्यों बासमती की। उधर भी बासमती लगाए रोड पर तो काटती हूँ मैं भी फटाफट, धूप लग रही है फिर। तो काटने लगे मैं, ये भाभी भी आ गए हैं, टूटने लग गए हैं भाभी। भाभी के कान भाभी कान भी सिला के लाए हैं, कान भी सिला के लाए हैं। कान में अब छोटे कुंडल पहनने पड़ेंगे क्यों, आप चिरी गए ना कान भाभी के। एक ही काम भी हो रहा है, झुमके की बचत हो जाएगी, झुमके की बचत पहन लोगे बाद में जब सही हो जाएगा कान छोटे छोटे वाले। मिजाले कर दूंगी ओपे, मिजाले कर दूंगी। तो चूड़ते हैं ये देखो भाभी, कामदार भाभी, बहुत कामदार है भाभी। बाबर में बाबर में इस काम हो रही, हमारे बाबर में ऐसे कैसे करते हैं काम बोलो। हाँ तो मैं भी चूड़ती हूँ, घास काट के भी ला गए हैं, अब दल रहे हैं मशीन में। घास भी यहीं से दल के ले जा रही हूँ, कहाँ लगे रहूँ घर दल ले क्यों, यहाँ मशीन में। तो दलते हैं फटाफट, घास भी दल दिया, घास दलने का भी हो गया है काम। अब जाना है घर को, है ये हो गया अब दलना, हो गया इतना अब नहीं, हो गया अब कितना ले जाए। सुबह से आज सौरा घास बनाने में दोनों मम्मी और मैं, ले जाओ हो गया, चलो सुबह से घास ही बनाने। कभी पराल कभी घास काटा दला, अब ले जाते हैं घर को, थक गया अब सुबह से, आज काम ही हो रहा है। तो गाइस मैं अभी हो गई रेडी घर जाने के लिए, सिस्टर जी अभी आ रहे हैं लेने के लिए और धूप भी लगने लग गई है। अभी 11 बज चुका है और यहाँ तो कंपाइन भी आ गई है, मम्मी लोग के कटने लग गए हैं धान, ये ट्राली भी आ गई है यहाँ पे। मैं दिखाती हूँ आपको कंपाइन, ये यहाँ पर आ गई है कंपाइन, ये देखिए ये कंपाइन अब सूख भी गए क्यों खेत, सूख ही गए। हमारे यहाँ तो अभी पानी ही है थोड़ा, एकदम हो गए हैं। गाइस घर जाने की हो गई है तैयारी, टीका लगा दिया है पिठा, सिस्टर जी लेने भी आ गए, रुको वो भी करते हुए चलते हैं। बर्दी के आ गए डेली पूछते हैं, बर्दी ये धान चूट के यहाँ धूप में भी डाल दिए बर्दी ने। हाँ जाने लग गई, मैं पहुँच गई हूँ गाइस मायके से घर, और चिंटू फिर आ गया, ये क्या देंगे घर के ना ये, और इसमें लाई हूँ घास, वहीं से घास दल के ये धोती के उसमें बना के थैले में न्यारले बना भी आ रही हूँ ना वहीं बटे। चलते हैं चिंटू क्या लाइए करके ना, ये खाएगा, रुक जा खाएगा, अभी खाएगा, अभी देती हूँ रुक जा तेरे को अभी देती हूँ। हाँ तो गाइस खाना पीना भी हो गया है हमारा, आई होप आप लोग का भी हो ही गया होगा। आज तो 12:30 हो चुका है हमारा, लेट ही हुआ, मम्मी ने बनाया था खाना तो आने तक, तो खाना पीना खा के मिस्टर जी भी चले गए हैं दुकान, बोले थोड़ी देर दुकान में ही बैठना हूँ, करके बच्चे भी आएंगे अब तो 1:30 बजे होगी उनकी छुट्टी, क्योंकि पेपर हो गए उनके फाइनली कंप्लीट, तो अब 1:30 बजे ही होगी छुट्टी। तो मैं भी करती हूँ थोड़ी देर आराम, फिर मिलते हैं आपसे। जानवरों का काम भी कर दिया है गाइस, सब हो गया है हमारा चाय टाइम, और ये मायके का कुसैला, बाल मिठाई, लड्डू देती हूँ बच्चों को। अरे देव ने तो पकड़ ही लिया है, कहाँ पकड़े दोबारा, मम्मी तो कर रहे हैं जानवरों के यहाँ कुछ काम, मीठा
मीठा खाने के लिए फर्स्ट ये मम्मी को भी दे दिया, अभी है मिस्टर जी और मेरे लिए। अब मत मांगना, अब ले जाती हूँ मिस्टर जी के लिए दुकान में चाय और मिठाई। किस किस को पसंद है बाल मिठाई? कल मौसी लाए थे, मौसी के उससे कल से बाल मिठाई खाने में है। बाहर से कोई आए तो बाल मिठाई खाने के लिए मिल जाती है ना। मौसी थैंक यू बाल मिठाई लाने के लिए। अच्छी लगती है बाहर की बाल मिठाई। तो अब चलती हूँ दुकान में, मिस्टर जी के लिए ले जाती हूँ चाय और मिठाई। मैं पहुँच गई गाइस दुकान में। मिस्टर जी देख रहे हैं फ़ोन और चाय पीने से कर रहे हैं इनकार, और मैं ही पीते हैं चाय और मिठाई खाने से भी कर रहे हैं इनकार, क्योंकि इनको लगा है सर्दी जुकाम तो नहीं खा रहे हैं मिठाई। आज आपको गाइस बहुत दिनों बाद दिख रहे होंगे ब्लॉग में, क्यों इन्होंने ब्लॉग में आने से इनकार कर दिया है। आजकल ब्लॉग में नहीं आना चाहते हैं, बोल रहे मुझे ब्लॉग में मत ले। बताओ ब्लॉग में आजकल आप क्यों नहीं दिख रहे हो? कुछ कहना चाहोगे? नो कमेंट। मिस्टर जी की तबीयत हुई है आजकल खराब, सर्दी जुकाम लगा है ना, इसलिए इन्होंने ब्लॉग में आने से इनकार किया है। ऐसे देखो ये कुछ बोल भी नहीं रहे, मुझे ब्लॉग में मत ले रहे। क्यों? तो पीती हूँ चाय, ठंडी हो रही है, ये तो नहीं पी रहे ना, मिठाई खा रहे, मैं ही खा लेती हूँ। तो गाइस होने लग गई है खाना बनाने की तैयारी। मैं काट रही हूँ कद्दू की सब्जी, ये मायके से लाई थी कद्दू, उनके लगे हैं ये, आधा काट दिया अभी, आधा कल बनाऊँगी। तो फटाफट बनाती हूँ सब्जी। तो गड़ियों खान पीन ले होगी हमारे, तुम्हारे लिए होगी उन्होंने खान पीन। तो अब कर लूँ वीडियो एंड। अगर तुम्हें आज वीडियो पसंद आ रही थी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। अब मिलते हैं आपसे नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक ले गुड नाइट, बाय बाय, जय भारत, जय उत्तराखंड, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा सभी लोग खुश रहें और मुस्कुराते रहें।